अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा मुसानी एंड आई एम योर फैसिलिटेटर फॉर सीएमए पार्ट वन। मतलब कि सीएमए पार्ट वन के जो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वो मेरे लिए आपके पास अवेलेबल होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीएमए पार्ट वन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, मतलब कि पार्ट वन से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं, मतलब कि कौन कौन से सेक्शंस इंक्लूडेड हैं पार्ट वन के अंदर, क्या उनका वेटेज है, किस तरीके से पेपर आता है और उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, ताकि आपको पेपर से रिलेटेड एक आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरीके से आता है और आपने किस तरीके से आंसर करना है। तो सबसे पहले तो पार्ट वन की डिस्कशन पे जाने से पहले मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मेरा नाम मोहम्मद उसामा मुसानी, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहले मेरा बैचलर्स है कॉमर्स के अंदर। इसके बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है सीए, उसके जो पहले तीन लेवल्स हुआ करते थे उसमें से मैंने जो फर्स्ट लेवल इंटरमीडिएट वो किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने फाइनेंस की फील्ड के अंदर मास्टर्स किया है एमबीए, जिसके अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और फिर उसके बाद ये जो आपका सर्टिफिकेशन है सीएमए यूएसए का, ये मैंने खुद भी सर्टिफाई किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और 5 साल से मैं सीएमए यूएसए ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो टीचिंग स्टार्ट की थी सीएमए यूएसए से ही की थी और 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीएमए यूएसए ही पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ एसीसीए का एमए वन ऑन एंड ऑफ पढ़ाता रहता हूँ। इसके अलावा जो आईएमए है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जो हेड बॉडी है सीएमए यूएसए सर्टिफिकेशन की, मैं उसका प्लेटिनम लेवल लीडर भी हूँ। अच्छा, अब जरा बात करते हैं सीएमए पार्ट वन की। तो पार्ट वन के अंदर ये देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनका क्या वेटेज है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले तो पार्ट वन का नाम क्या है, सीएमए पार्ट वन का जो पेपर है आपका, उसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। मतलब कि इसके अंदर आपका जो बेसिक डिस्कशन है वो प्लानिंग, बजटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और फिर अभी रिसेंटली जो हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स का एरिया ऐड किया गया है वो हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल होगा। 6 सेक्शंस के अंदर पार्ट वन हमारा डिवाइडेड है, सेक्शन ई टू सेक्शन एफ। सारे सेक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं और आपको डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन ए है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, जिसके अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं हम, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना के प्रेजेंट करते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिस्क्रिप्शन है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास कौन कौन सी होती है एज पर गैप, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, उनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज और उनकी कैलकुलेशन। इस सेक्शन का वेटेज आपके पेपर के अंदर 15% है। फिर सेकंड पे आता है सेक्शन डी, जो कि प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। इसके अंदर ज्यादातर हमारा जो एरिया है वो बजटिंग से रिलेटेड है, बजटिंग किस तरीके से करते हैं, और फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्लानिंग और जो बजटिंग के अंदर फोरकास्टिंग यूज होती है वो भी है। इसका वेटेज आपके पेपर के अंदर 20% है। फिर तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, इसकी वेटेज भी 20% है। चौथे नंबर पे कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, जिसके अंदर सारे तरीके की जो अकाउंटिंग आप करते हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसका वेटेज 15% है। ये जो चार एरियाज हैं, चार सेक्शंस हैं, इसके अंदर थ्योरी भी है लेकिन साथ साथ काफी सारी आपके पास कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसके बाद के जो दो सेक्शन है, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ, ये हमारे पास कंप्लीटली थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी बेस्ड सेक्शन है। ई के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जिनका हमने ध्यान रखना है, इसका वेटेज भी 15% है। और जो सेक्शन एफ है, जो कि रिसेंटली यानी कि लास्ट ईयर ही हमारे पास ऐड हुआ है, वो है टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है, इसका वेटेज भी 15% है। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो सेक्शन ए टू सेक्शन एफ जितने भी आपके सेक्शंस हैं उनमें से किसी का भी वेटेज कम नहीं है, किसी का भी वेटेज 5% या 10% नहीं है कि आप ये सोचें कि एक सेक्शन हम छोड़ दे दो हमारा पेपर पास हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमने हर सेक्शन पे प्रॉपरली ध्यान देना है। अच्छा, सीएमए का पार्ट वन हो या पार्ट टू हो, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स पे बात कर लेते हैं ताकि आपके जहन में हो कि एग्जाम आपके पास कैसा आएगा। तो आपके पास जो भी पेपर आएगा 4 घंटे का आपका पेपर होगा,
ठीक है, 4 घंटे आपके पास अवेलेबल होंगे पेपर के लिए, और वो पेपर आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। उन 2 हिस्सों को हम विंडोज कहते हैं, फर्स्ट विंडो और सेकंड विंडो। जो पहला पार्ट है यानी कि फर्स्ट विंडो, वो 3 आवर्स का होगा यानी कि 180 मिनट्स। उन 180 मिनट्स में 100 MCQs आपके पास अवेलेबल होंगे, 100 MCQs आपने आंसर करने होंगे। अब या तो आप 180 मिनट से पहले 100 MCQs आंसर करके आगे चले जाते हैं, या फिर आपके 180 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी सेकंड विंडो स्टार्ट हो जाएगी जो कि 1 घंटे की होगी, और उस 1 घंटे के अंदर 2 essay-based यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अब 2 जो आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे ऐसे बेस्ड सेकंड विंडो के अंदर, उनका कोई टाइम नहीं है कि आप पहला वाला जिस हिसाब से करना चाहे करें, सेकंड वाला जिस हिसाब से करना चाहे करें। पहले वाले में 45 मिनट दे दें, दूसरे वाले में 15 मिनट दे दें, लेकिन नॉर्मली दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो आपसे रिक्वायरमेंट्स पूछी गई होती है वो तकरीबन सेम होती है। मतलब कि अगर पहले के अंदर 5 है, दूसरे के अंदर भी 5 या 6 होंगी, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 2 essay-based question है उनके लिए हमने इक्वल टाइम रखना है, 30-30 मिनट्स रखने हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि सेकंड विंडो के अंदर जो 2 questions हमारे पास होंगे ऐसे बेस, वो 30-30 मिनट्स के होंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं है, आप चाहें तो एक का टाइम दूसरे में भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो हमारा जो 4 घंटे का पेपर था उसमें फर्स्ट विंडो 180 मिनट्स की जिसमें 100 MCQs हैं, और फिर उसके बाद सेकंड विंडो 60 मिनट्स की जिसमें 2 essay-based questions है। अब ये जो सेकंड विंडो है हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगी। इसका भी एक क्राइटेरिया है इसको ओपन करने का। क्या क्राइटेरिया है? कि अगर फर्स्ट विंडो के अंदर आपने 100 MCQs से कम 50% MCQs करेक्ट किए होंगे तभी जाके आपकी सेकंड विंडो ओपन होगी, वरना सेकंड विंडो ओपन नहीं होगी, 3 आवर्स में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट विंडो के अंदर 50% या उससे ज्यादा आपने अगर MCQs करेक्ट आंसर किए होंगे तो सेकंड विंडो ओपन होगी ऐसे बेस वाली। अच्छा, जो ऐसे बेस क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, एक के अंदर 4-5 भी हो सकती हैं, दूसरे के अंदर 5-6 भी हो सकती हैं, लेकिन IMA ने हमें जो एक एवरेज रिक्वायरमेंट्स का बताया है वो ये कहते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर तकरीबन 5 से 6 रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। इससे कम भी हो सकती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ज्यादा 6 से ज्यादा रिक्वायरमेंट इटसेल्फ तो नहीं होंगी, लेकिन इस तरीके से हो सकती है कि उनके फर्दर पार्ट्स हो, मतलब एक रिक्वायरमेंट के अंदर ABCD भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो एक अंदाजन देखा जाए तो एक ऐसे बेस के अंदर 5 से 6 रिक्वायरमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगी जिनको आपने आंसर करना होगा। तो इसके अंदर आपने करना ये होगा कि पहले प्रॉपरली 5 से 7 मिनट के अंदर आपने जो भी ऐसे है या जो भी सिनेरियो है एक कंपनी से रिलेटेड, वो आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा, और उसके बाद वन बाय वन जो आंसर्स उसने मांगे हैं, चाहे थ्योरेटिकल मांगे चाहे कैलकुलेशन बेस्ड मांगे, आपने उनको आंसर करना होगा। ये पूरा का पूरा आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट के अंदर होगा, सिस्टम पे आपने सारा आंसर करना होगा, और इसकी वर्किंग के लिए आपको कुछ पेपर्स और पेंसिल दे दिए जाएंगे जिसके ऊपर आप वर्किंग करके सिस्टम के अंदर आंसर उनको करेंगे। CMA का जो पेपर होगा ये प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर के अंदर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड आपके पास हर जगह तकरीबन अवेलेबल होते हैं। अच्छा, जो आपने पेपर अपना पेपर शेड्यूल करना होगा तो उसके लिए आपके पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे पास पेपर देने के लिए चाहे आपने पार्ट 1 का पेपर देना है या पार्ट 2 का पेपर देना है, आपके पास 3 विंडोज हर ईयर के अंदर 3 विंडोज अवेलेबल होती है, मतलब 3 टाइम पीरियड्स के अंदर आप अपना पेपर दे सकते हैं, और ये 3 विंडोज में से हर एक विंडो भी 2-2 महीने की होती है, सही है। यानी कि पहली विंडो जनवरी से फरवरी तक होगी, सेकंड मई से जून तक, और थर्ड सितंबर से अक्टूबर तक। तो पूरे साल के 12 महीनों में से ये 6 महीनों के अंदर आप अपना पार्ट 1 या पार्ट 2 का पेपर दे सकते हैं। आपको जहां लगता है कि आप पेपर दे सकते हैं प्रॉपरली प्रिपरेशन करके, आप अपना पेपर शेड्यूल करें और उस टाइम के ऊपर जाके पेपर दे दें। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं कि हमने काम किस तरीके से करना है, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि पेपर पास करें तो उसके लिए टीचिंग का क्या मेथड होगा, और आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले टीचिंग के लिए या आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको 200+ hours के वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको नॉलेज मिलेगी और हम
उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि पेपर आप सक्सेसफुली पास करें, तो आपने इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। अब ये एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कहाँ से होगी? तो देखिए, हमारे पास जो सीएमए की क्वालिफिकेशन है, तो इसकी गाइडलाइंस, इसके जो पूरा सिलेबस है उसकी गाइडलाइंस हमें आईएमए ने दी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें टेस्ट होंगी, क्या क्या चीज़ें या क्या क्या एरियाज इसके अंदर कवर होंगे। तो इसकी कोई प्रिस्क्राइब बुक नहीं है, कोई आईएमए ने हमें बुक नहीं दे दी कि भाई ये बुक आप पढ़ें और इसी से ही आपका पूरा पेपर बनेगा, नहीं। उन्होंने सिर्फ एक गाइडलाइंस दे दी है, वो गाइडलाइंस को हम कहते हैं लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। अब जितने भी हमारे डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन ऑथर्स ने क्या किया है कि उन गाइडलाइंस को यूज करके अपने अपने पूरे सिलेबस और अपना अपना पूरा कोर्स डिजाइन कर लिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करें, तो आपको ये करना होगा कि किसी एक ऑथर का, और हम जिसको सबसे ऑथेंटिक ऑथर समझते हैं सीएमए का, वो है हॉक पब्लिशर। तो हॉक पब्लिशर का भी साथ साथ आपने पैकेज परचेज करना होगा, जिसके अंदर हॉक पब्लिशर की आपको टेक्स्ट बुक्स भी मिल जाएंगी, ई बुक्स, ठीक है। इसके अलावा उनका डेटा बैंक भी मिल जाएगा, क्वेश्चन का डेटा बैंक, जिसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज भी अवेलेबल होंगी, एमसीक्यूज भी अवेलेबल होंगे और ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ आपके क्विजेज, आपके मॉक्स, आपका एग्जाम प्लानर, ये सारी चीजें उसके अंदर आपके पास अवेलेबल होंगी। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, उससे आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी, ठीक है, और आपकी जो बेसिक प्रैक्टिस है, ठीक है, वो आपकी होती चली जाएगी, लेकिन वो एक लिमिटेड प्रैक्टिस होगी। अगर आपने एग्जाम के हिसाब से एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करेंगे कि एक जो टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है आप उसको देखें, और फिर हॉक का जो आपने पैकेज परचेज किया हुआ होगा आप उसको ओपन करें और उसमें जाके रेगुलर बेसिस पे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन होती चली जाए। फिर वीकली बेसिस पे आप उसका क्विज अटेम्प्ट करते रहें, वही हॉक का जो आपके पास डेटा बैंक अवेलेबल है उससे, और फिर जब आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो पूरे सेक्शन का मॉक उसके अंदर अवेलेबल है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा तरीकेकार यही रहेगा कि 200 प्लस आवर्स की आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर हॉक के हिसाब से, क्योंकि हम हॉक को ही फॉलो कर रहे हैं, तो हॉक का जो एक सिलेबस है उसके हिसाब से सारे एरियाज को हमने कवर किया हुआ होगा उन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के अंदर, और उनकी हमने थ्योरी भी कवर की होगी, उसकी हमने प्रैक्टिस भी उसके अंदर कवर की होगी। लेकिन फिर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे कि हर एक वीडियो देखने के बाद हॉक के सॉफ्टवेयर में जाके आप उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, उनके क्विजेज अटेम्प्ट करेंगे, उनके मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन होती रहे। और एक काम हम और करेंगे कि क्योंकि आपके पास एग्जाम के अंदर टाइम लिमिटेड होता है, तो हमें वो टेक्निक्स चाहिए होती हैं कि जिसकी बेसिस पे हम एग्जाम के अंदर अपना टाइम सेव कर सकें। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितने आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दूं या जितने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊं, उनके अंदर जितने मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्टकट्स हो सकें, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हो सकें, वो आपको बताता रहूं, ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जो दोनों विंडोज हमारे पास अवेलेबल होंगी, विंडो वन और विंडो टू, फर्स्ट विंडो और सेकंड विंडो। फर्स्ट विंडो के अंदर एमसीक्यूज और सेकंड के अंदर ऐसे बेस क्वेश्चन, उनके हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने चार सैंपल एमसीक्यूज यहां पे रखे ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे एमसीक्यूज आते हैं और किस तरीके से उसके आंसर आपने देने होते हैं, और एक सैंपल ऐसे बेस क्वेश्चन रखा है ताकि उसका भी एक आइडिया आपको हो जाए। तो देखें, सबसे पहला हमारे पास जो सैंपल एमसीक्यू है वो ये कहता है कि द स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी शोज, जो आपके पास शेयर होल्डर्स इक्विटी की स्टेटमेंट होती है जो कि पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो क्या शो करती है। ए के अंदर आपको ये कह रहा है रिकंसिलिएशन ऑफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट। शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट के अंदर जितने भी आपके पास हेड्स होते हैं, जितने भी आपके पास अकाउंट्स होते हैं, उनका ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस भी शो करता है और उनकी रिकंसिलिएशन भी शो करता है, मतलब ये भी बताता है कि ओपनिंग एंडिंग में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए ही है, लेकिन बहरहाल दूसरे भी देख लेते हैं। बी के अंदर कहता है लिस्टिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डॉलर अमाउंट्स। बी के अंदर कह रहा है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट की लिस्टिंग और उनकी डॉलर अमाउंट, तो नहीं, इसके अंदर सिर्फ लिस्टिंग नहीं होती, सिर्फ लिस्टिंग कहाँ पे आपको इसकी मिलती है, बैलेंस शीट के ऊपर। सी के अंदर कहता है कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग यूज्ड फॉर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन।
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग की कैलकुलेशन आपको अर्निंग्स पर शेयर के लिए यहां से नहीं मिलती। डी के अंदर रिकंसिलिएशन ऑफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस इन रिटेन अर्निंग अकाउंट्स, सिर्फ रिटेन अर्निंग अकाउंट का जो ओपनिंग और एंडिंग है उसकी रिकंसिलिएशन नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं है। रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर इक्विटी का एक अकाउंट है, बाकी अकाउंट्स की भी आपको रिकंसिलिएशन मिलती है, तो इसलिए ए हमारे पास इसका सही आंसर है। इसी तरीके से टू के अंदर जाएं तो देखें, पहला वाला हमारे पास थियोरेटिकल था, दूसरा वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है लेकिन कैलकुलेशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 years ago James Company purchased stock in Zebra Incorporation at a cost of $100,000. 3 साल पहले इसने स्टॉक परचेज किया था Zebra Incorporation के अंदर $100,000 के। This stock was sold for $150,000 during the current fiscal year. Current year के अंदर $150,000 के ये बेच दिए। The result of this transaction should be shown in the investing section of James Statement of Cash Flow. Statement of Cash Flow जो हम स्टडी करेंगे हमारे पास आ जाएगी, लेकिन वहां पे कितनी अमाउंट आप रिपोर्ट करेंगे, क्या 100,000 की रिपोर्ट करेंगे, क्या 150,000 की रिपोर्ट करेंगे, क्या इन दोनों को नेट करके 50,000 रिपोर्ट करेंगे, या कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो देखें, जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो अमाउंट तो आएगी। अब ये जो $100,000 की हमारे पास अमाउंट है, ये जो $100,000 की हमारे पास अमाउंट है, ये अभी की नहीं है, ये 3 साल पहले की है, तो ये करंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर नहीं आएगी, सिर्फ ये $150,000 की अमाउंट आएगी। तो हमारा इसका आंसर होगा डी, यानी कि $150,000। इसी तरीके से तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड मोस्ट लाइकली कॉज द प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम टू फेल, द लैक ऑफ। आप जब प्लानिंग और बजटिंग करते हैं, जो हम सेक्शन बी के अंदर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स को हम कंसिडर करते हैं, तो अगर उसमें से कौन सी चीज ना हो तो हमारा पूरा बजटिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। सबसे पहले हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, अगर हिस्टोरिकल डेटा ना हो तो जरूरी नहीं है हम हिस्टोरिकल डेटा यूज करें बजटिंग के लिए, हम कोई और डेटा भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे सेक्शन के अंदर देखेंगे। तो ए सही नहीं आंसर। इनपुट फ्रॉम सेवरल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से अगर इनपुट ना लें तो फिर आपका बजटिंग फेल हो जाएगा, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है। बाज़ूकात आपको डिफरेंट लेवल से इनपुट की जरूरत नहीं होती है, तो उससे भी इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट आएगा लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा। सी के अंदर कहता है द लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो आपका बजटिंग सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होती है वही आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि आपने बजटिंग कैसे करनी है, वही आपके बजट्स को अप्रूव करती है, और जब बजट बन जाते हैं तो वही इस बात को फॉलो करवाती है कि आपका बजट इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जब आपका बजट बन गया और टॉप मैनेजमेंट उसको नहीं देख रही या उसको फॉलोअप में नहीं ला रही, तो जो आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयज है वो भी उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डी के अंदर ये कह रहा था कि एडेरेंस टू दी टू रिजिड बजट्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने कोई स्ट्रिक्ट बजट्स बना लिए हैं और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो ये बजटिंग सिस्टम को फेल कर देता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने रिजिड बजट्स बनाए हैं और आप उसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते तो भी बजटिंग सिस्टम कम्प्लीटली फेल नहीं होता, जितना इम्पैक्ट आपके पास टॉप मैनेजमेंट का आता है। तो टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा आपके पास ज़रूरी है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो MCQs आएंगे उसके अंदर दो तरीके के MCQs होते हैं। एक तो वो MCQ जिसके अंदर एक ही सही आंसर होता है तो बाकी तीन गलत होते हैं, वो आप छोड़ देते हैं और एक करेक्ट आंसर को आप मार्क कर देते हैं। दूसरे आपसे पास ऐसे MCQs आते हैं जिसमें एक से ज्यादा सही आंसर होते हैं, तो आपने जो सबसे बेस्ट आंसर है उस पे जाना होता है। तो देखें, ये क्वेश्चन जो है ये भी तकरीबन वैसा ही है। अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है बजटिंग के लिए, अगर वो ना हो तो बजटिंग पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका इनपुट भी आपके लिए जरूरी है, अगर वो ना दे तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर आप अपने जो बजट बनाया है उसको फॉलो ना करें तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट आता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो आता है टॉप मैनेजमेंट का। अगर टॉप मैनेजमेंट आपके पास सपोर्ट नहीं करती या इन्वॉल्व नहीं है बजटिंग के अंदर, बजटिंग और प्लानिंग के अंदर, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो बजटिंग और प्लानिंग सिस्टम है वो इजिली फेल हो जाएगा, वो प्रॉपरली रन नहीं करेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से ऐसा क्वेश्चन था ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन आएंगे थ्योरी से रिलेटेड। ऑब्वियसली बात है जो आपके पास कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उसका तो एक ही आंसर होगा, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर अगर होते हैं तो आपने जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है उस पर जाना है। अच्छा, फोर्थ हमारे पास अगेन कैलकुलेशन बेस्ड है, कंप्लीटली पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं, क्योंकि आपको आपने अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। मैं आपको एक कंक्लूजन में बता दूं कि इसके अंदर क्या है। एक कंपनी है जो कि फोरकास्टिंग कर रही है सेल्स, उसने फोरकास्ट करनी है बजटिंग के लिए, तो उसने एक फंक्शन बनाया है, ये वाला फंक्शन बनाया है और ये कह रही है कि अगर हम जो कमिंग मंथ है हमारा तो उसके अंदर अगर हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस $100,000 का होता है तो ये बताएं कि सेल्स की एस्टिमेटेड अमाउंट कितनी होगी। तो अगर इस फंक्शन के अंदर देखें तो ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को, तो हमने सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि ये 1000 को यहाँ पे पुट करना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हमारा बन जाएगा 2500, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये बन जाएगा 2500 और प्लस कर देंगे $10,000 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,500 विच इज डी। तो डी हमारे पास यहाँ पे आंसर है। ये बात हो गई फर्स्ट विंडो के सैंपल क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज की। इसी तरीके से अगर इंशाल्लाह ये आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट विंडो तो हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा, सेकंड विंडो के अंदर हमारे पास दो ऐसे बेस क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक सैंपल ऐसे बेस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये एक सिनेरियो है एक कंपनी से रिलेटेड, एक कंपनी है ब्राउन प्रिंटिंग और उसका ये पूरा का पूरा डेटा करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है उसका ये पूरा का पूरा डेटा है और ये डेटा कंपनी की आपको पूरी की पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो कर रहा है कि अब हमने कंपनी ने जो बुक सेल की उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, कितने बुक्स उसने प्रोड्यूस किए, कितने सेल किए, कॉस्ट क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सारा डेटा इसने दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपके पास एक सिनेरियो आएगा, आपने इसको थोरो स्टडी करना है और फिर उसकी बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्सेज एग्जामिनर ने आपसे मांगे हुए होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी हुई होंगी, आपने उनको आंसर करना है। जैसे कि 6 यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट के अंदर वो ये कहता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि ये सेक्शन डी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग की डेफिनेशन मांग रहा है। फिर आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर मार्च यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है वेरिएबल कॉस्टिंग के थ्रू। फिर यही सेम काम आपने करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू और फिर वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की दो दो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देनी है। फिर इन दोनों की जो इनकम के अंदर डिफरेंस आएगा उसका बताना है कि डिफरेंस किस वजह से आ रहा है और उसकी कैलकुलेशन बतानी है कितना डिफरेंस आ रहा है और एंड में थ्रूपुट कॉस्टिंग को आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे टाइम होगा लिमिटेड, तो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको हमने इस तरीके से आंसर करना है कि कम टाइम के अंदर या कम वर्डिंग के अंदर एग्जामिनर को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाए। तो क्योंकि आपने अभी ये पढ़ा नहीं है तो आप इसको आंसर फिलहाल नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक सैंपल आंसर अगर मैं इसके शो करूँ तो पहला जो हमारे पास डेफिनेशन थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग की, तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डेफिनेशन, सिर्फ इतने एरिया की हमने डेफिनेशन दी जिसमें ये मेजर हमने इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दी और ये वेरिएबल कॉस्टिंग की हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड थी, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिया वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर और इसकी इनकम स्टेटमेंट बना ली और इसका नेट इनकम हमारे पास आ गई $220,000 की। फिर उसके बाद यही सेम काम हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसकी इनकम स्टेटमेंट विद नेट इनकम $300,000, दोनों में $80,000 का डिफरेंस है, वो हमने फिफ्थ वाली रिक्वायरमेंट में उसको बताना भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, वेरिएबल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिमिटेशंस हमने देनी थी। तो यहाँ पे हमने चार चार पॉइंट्स दिए हुए हैं लेकिन उसने कोई मेंशन नहीं किया कि आप कितने पॉइंट्स हैं, तो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप इससे कम दो दो पॉइंट्स तीन तीन पॉइंट्स भी दे सकते हैं, टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है तो इसलिए आपने टाइम को इसमें लाजमी कंसिडर करना है। इसके बाद फिफ्थ के अंदर जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी थी कि जो दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस था $80,000 का, वो बताएं कि क्यों आया और उसकी कैलकुलेशन, तो ये हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी और कैलकुलेशन उसको बता दी। और लास्ट के अंदर थ्रूपुट कॉस्टिंग की डेफिनेशन उसने मांगी थी, तो ये हमने थोड़ा सा थ्रूपुट कॉस्टिंग को डिफाइन
कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सैंपल एमसीक्यूज हमने यहाँ पे देखे और एक हमने सैंपल ऐसे बेस क्वेश्चन देख लिया, फर्स्ट विंडो से रिलेटेड चीजें और सेकंड विंडो से रिलेटेड चीजें। लास्ट चीज जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं वो है आपके एग्जाम का इंटरफेस, मतलब कि जब आप पेपर देने जाएंगे और आप अपना टेस्ट ओपन करेंगे तो जो आपके सामने विंडो या स्क्रीन खुलेगी वो कैसी होगी, तो उसका एक सैंपल इंटरफेस, एक सैंपल आपके पास कहाँ अवेलेबल है, आपका जो हॉक पब्लिशर्स का डेटा बैंक है, मतलब जब आप हॉक के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जाएंगे, चाहे एमसीक्यूज करने जाएं या चाहे आप ऐसे भी क्वेश्चन करने जाएं, तो आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो तकरीबन वैसी ही उन्होंने कोशिश की है कि रखें जैसे आपकी एग्जाम के अंदर आती है। तो आपको जो सैंपल एग्जाम का इंटरफेस है वो आपको हॉक पब्लिशर्स के डेटा बैंक से वो भी मिल जाएगा। उसके अंदर जो मेजर चीजें हैं वो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले ये है कि जो आपके पास विंडो खुलेगी जिस पर क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड पे वर्टिकल फॉर्म के अंदर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे 1 to 100, ताकि आप जिस क्वेश्चन पर डायरेक्टली जाना चाहें आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जो बॉटम का एरिया होगा, इस जगह पे बॉटम के एरिया पे आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर 3-4 टैब्स अवेलेबल होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने का, अगर आपने क्या कहते हैं कैलकुलेटर ओपन करना है उसके लिए, ठीक है। और बीच में आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा और राइट साइड पे टॉप पे आपका टाइम चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास बीच में क्वेश्चन आ रहा होगा, सपोज हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो अगर आपके पास एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा होगा तो उसके अंदर क्वेश्चन होगा 4, उसके आपके पास आंसर ABCD करके अवेलेबल होंगे। उसके अंदर आपके पास कुछ फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज में सिर्फ बात कर लेते हैं, बाकी आपको प्रॉपर पैटर्न जो है वो डेटा बैंक से मिल जाएगा। पहला है राइट क्लिक का, आपके पास जो 4 ऑप्शंस होंगे, अगर आप किसी भी ऑप्शन पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन क्रॉस आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्यों बेहतर चीज है, ये इसलिए है क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि 4 में से 2 आंसर तो कंप्लीटली पॉसिबल ही नहीं है, तो आप क्या करें उनको क्रॉस आउट कर दें। तो फिर फायदा क्या होगा कि जब आपके सारे क्वेश्चन एंड हो जाते हैं और दोबारा आके आप उनको उस क्वेश्चन को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको वो 2 आंसर को कंसिडर ही नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो 2 बचे हुए थे उनको दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, एक आपको फैसिलिटी मिलती है अनआंसर्ड क्वेश्चंस की। अनआंसर्ड क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जो कि नॉर्मली एग्जाम के अंदर अवेलेबल होता ही है, कि आप क्या करते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करें आप उसको छोड़ दें। तो एंड में क्या होगा कि आपके पास एक टैब आ जाएगा अनआंसर्ड क्वेश्चन का, आप जैसे उस टैब पे क्लिक करेंगे तो जितने क्वेश्चन आपने कंप्लीटली छोड़ दिया, आंसर ही नहीं किया, वो ओपन हो जाएंगे और आप उन क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाके दोबारा उनको कंसिडर करके आंसर कर सकेंगे। अब एक और प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो क्या है, डाउटफुल आंसर्स की, कि एक क्वेश्चन का स्टूडेंट ने आंसर दे दिया लेकिन स्टिल वो डाउट में है कि शायद ये आंसर सही है या शायद नहीं है, तो वो इस चीज को सोचते हैं कि हम इसको जो है एंड में दोबारा एक मरतबा देखना चाह रहे हैं। अब अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो क्या होता कि वो क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ता या लिखना पड़ता कौन सा क्वेश्चन ऐसा था कि भाई जो डाउटफुल है, सही है। तो इसकी भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, वो है फ्लैगिंग की या मार्किंग की, ठीक है। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपके पास एक फ्लैग करने का ऑप्शन होगा या मार्क करने का ऑप्शन होगा, तो जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि डाउटफुल है आप उसको फ्लैग कर दें या मार्क कर दें, तो एंड में उस फ्लैग का भी एक सेपरेट टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही फ्लैग वाले क्वेश्चन के टैब पे क्लिक करेंगे, जितने क्वेश्चन आपने फ्लैग किए थे जो कि आपके डाउटफुल थे, डायरेक्ट आपको उस पर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल एग्जाम इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन है, इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो कुछ आइडिया आपको जो आपका हॉक का डेटा बैंक है उससे भी हो जाएगा और प्रॉपर जो है वो तो आपको पेपर के अंदर ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इंट्रोडक्शन था पार्ट 1 और उसके एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल थी। हमारे पास फिलहाल यहीं तक ही है और नेक्स्ट वीडियो से अब हम इंशाल्लाह पार्ट 1 की प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे सेक्शन बाय सेक्शन। So this is Mohammad Usama Musani, your facilitator for part 1, signing off. Thank you.